हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैट। गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम करेंगे एक न्यू हेयर कलर जो है मैजिल का 7.23, जो है हमारा कलर गोल्डन इरिडिसेंट ब्लॉन्ड। तो गाइस, इसमें जो इरिडिसेंट की मात्रा है, ये मत समझना कि वो हमारा जो वॉयलेट होता है 0.2, उसकी रिफ्लेक्शन आने वाली है। वो हमारा एज अ कटर यूज़ होगा जो न्यूट्रलाइज करेगा हमारी येलो टोन को। जो इसका मिक्सिंग रेशियो का इस देखा होगा आपने, 1:1.5 है। और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वही सेम अदर रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वही लोग क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। यानी कि वो वीडियो स्किप करते हैं या फिर वीडियो को आधा देखते हैं। तो गाइस, ये देखिए, मैंने कलर ट्यूब के ऊपर भी दिखा दिया है कि जो कलर ट्यूब है मेरा, वो है हमारा 7.23। उसको निकाल लेंगे हम एक बाउल में। तो थोड़ा ही निकालेंगे, कटेड हेयर है जो उस पर हम एप्लीकेशन करनी है, तो हम इसको थोड़ा ही निकालेंगे। ये मैंने निकाल लिया अपना हेयर कलर। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे डेवलपर, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। गाइस, जो डेवलपर है वो हम निकालने वाले हैं 40 वॉल्यूम। जो 40 वॉल्यूम इसलिए यूज़ करते हैं, इसे हम विथाउट प्री लाइटनिंग कलर करेंगे। डायरेक्ट लिफ्टिंग चाहिए, तो हमें 40 वॉल्यूम से ही वो लिफ्टिंग मिलेगी। और गाइस, अगर आपको इसका रिजल्ट प्री लाइटनिंग पर भी देखना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और थोड़ा एक दो दिन लेट होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करने की। तो इसका जो प्री लाइटनिंग के ऊपर जो इसको डिपॉजिट करना है, वो उस वीडियो में आपको देखना है कि कौन से अंडरकोट पे डिपॉजिट होगा और कितना अच्छा वर्क करेगा। अगर रॉन्ग अंडरकोट पे डिपॉजिट करोगे, तो गाइस आपका जो है डिजायर शेड नहीं आता। तो गाइस, अगर आपको वीडियो चाहिए प्री लाइटनिंग वाली, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और गाइस, ये देखिए, हमने जो कलर बना के मिक्स करा है, उसको हम ये कटेड हेयर पे अच्छे से एप्लीकेशन कर लेंगे। वैसे एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करनी है, अच्छे से करनी है, ताकि हर एक हेयर पे अच्छे से कलर लग सके। और अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो आपका जो शेड है वो डिज़ायर शेड नहीं आ पाता, और जो आपको शेड चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी अनइवन आती है, पैच आता है, वो सब आपका एप्लीकेशन की वजह से ही आता है। तो ये गाइस देखिए, उस साइड भी लगाएंगे, देखो पीछे एक भी नहीं लगा, थोड़ा सा भी नहीं लगा। गाइस ये देखिए, तो हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ, जब आप ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, तो पीछे की साइड से हमेशा कलर लगाना चाहिए। और रियल हेयर पे तो गाइस हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है अच्छे से, क्योंकि हम दोनों हाथ से उसमें वर्क करते हैं। तो गाइस ये देखिए, हमने एप्लीकेशन भी कर ली है। तो 35 मिनट के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, 35 मिनट बाद। तो गाइस को हम ऐसे ही रख देंगे। और गाइस, अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, और मैं फॉइल को ओपन करके देख रहा हूँ कि किस तरीके का हमारा लिफ्टिंग मिल रही है हमें, किस सेट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और गाइस देखते हैं कैसा कलर रहा है हमारा। वाओ, लिफ्टिंग तो गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल गई है। डायरेक्ट लिफ्टिंग भी कितनी अच्छी मिल गई है, जबकि डेप्थ उसकी जो थी वो 7.23 हाई लिफ्टिंग कलर की तरह ही मिली है, ये देखिए। और अभी थोड़ा प्रोसेस रह रहा है, साइड में देखिए काफ़ी ज़्यादा डार्क है इस साइड जहाँ मैं कॉम कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये आफ्टर 35 मिनट्स बाद मैंने फॉइल ओपन करी गाइस, पूरे 35 मिनट बाद, मेरा मतलब है टोटल 35 मिनट। जो 20 मिनट पहले ओपन करी थी ना, उसके 15 मिनट और वेट किया है मैंने, उसके ओपन करने के बाद 35 मिनट नहीं, टोटल टाइमिंग 35 मिनट्स। और इक्वल इवन सेट आई है, पहले 20 मिनट पहले जब ओपन गई थी, तो साइड में प्रोसेस कम था और डार्क आ रहा था कलर। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइट मिला है। तो इसको मैं वॉश करके फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा कलर आया है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। तो कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना। ये गाइस ये देखिए, डायरेक्ट करके कितना अच्छा कलर मिला है विथआउट प्री लाइटनिंग। कॉफ़ी बीन्स कलर है गाइस, ये देख रहे हैं, जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना, सेम शेड वही है। और गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अगर नॉलेजबल होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I'm not
you too long.